So, guys, इंडिया हार आज चुकी का जो है। दिन है डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। दुख, पीड़ा, कष्ट, इनका जो लेवल है वो आई थिंक ऑन द टॉप है। एज ए क्रिकेट फैन, अगर आप एक क्रिकेट के फैन हो तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा दिन ना दिखाएं बार बार। बट रीसेंट टाइम में ऐसे दिन बार बार आ रहे हैं। और वैसे नॉर्मली हम लोग या फिर कोई भी सोता नहीं, जल्दी नहीं सोते, लेट नींद आती है। बट पता नहीं आज नींद बहुत जल्दी आ रही है। ऐसा मन कर रहा है कि छोड़ो सबको और रजाई सो जाओ, बस ऐसा हाल है। जो गम है वो मतलब ऐसे पोटली बांध के बैठा हुआ है, वो निकल ही नहीं रहा। क्या करें क्या करें। काफ़ी काफ़ी टाइम से वेट करते हैं कि जी मैच है, क्रिकेट का मैच है, हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में है, वर्ल्ड कप खेल रही है, सो सेमीफाइनल है, देखेंगे, प्लानिंग करते हैं, फिर आप मैच देखते हैं। और फिर मतलब वहाँ पे तो इंग्लैंड टीम इंडिया के धागे खोल रही थी, और यहाँ एक एक शॉट जो था इंग्लैंड का वो ऐसे लग रहा था लाइक कि मर रहे थे बुरी तरह से। मतलब ऐसा जो टाइम है वो भूला नहीं जाता। आप भुलाना बहुत चाहते हो कि मतलब मन करता है कभी कभी कि यार क्रिकेट के फैन ना होते, इससे अच्छा क्रिकेट ना देखते होते। बट यही नियति है कि इफ़ यू लाइक समथिंग तो उसकी वजह से आपको खुशियाँ भी मिलेंगी और साथ में दुख भी। बट जो नाइंसाफी टाइप फील हो रहा है वो ये हो रहा है कि रिसेंट टाइम में ओनली दुख ही मिले जा रहे हैं, दुख ही मिले जा रहे हैं। फर्स्ट पिछला T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट, एंड उसके बाद में एशिया कप कंप्लीट पुअर परफॉर्मेंस, एंड उसके बाद ये तीसरा मौका फिर से वर्ल्ड कप में बाहर। बहुत बुरा लग रहा है सबको, एंड सोशल मीडिया पे और वैसे भी गालियां बहुत दी जा रही हैं हमारी टीम को। क्यों ना दें, हक है, तालियां भी तो हम देते हैं। जब वो जीतते हैं तो हम ताली देते हैं, जीत के उनको इतने इतने लाखों करोड़ों में उनको फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया फेम की वजह से उनको इतने एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, इतने पैसे वो कमाते हैं कि आज वो सिर्फ स्पोर्ट्समैन ना होके करोड़पति अरबपति हैं बिकॉज ऑफ फैंस। सो अगर हारेंगे तो गाली भी मिलेंगी, दुख भी जाहिर किया जाएगा, हक है फैंस को। बट अगेन मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं यार क्या कप्तान करना बढ़ाने चाहिए क्या अभी नहीं करना कप्तान ही तो चाहिए। खराब है इंडिया टीम का। अब ऐसे कमेंट्स तो हम कर नहीं सकते कि तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। भाई हमें नहीं पता, ये सब करने के लिए सेलेक्टर्स बैठा रखे हैं, बड़ा सारा BCCI का बोर्ड है, प्लानिंग वो करेंगे, हम क्यों प्लानिंग करें भाई। हमें तो हम तो रिजल्ट एज ए चाहिए। फैन जीत चाहिए हमको तो, कि हमारी टीम जीते जी। क्योंकि आपकी जो टीम है वो 150 करोड़ लोगों में से बनाई गई है, और क्रिकेट को पूजा जाता है यहाँ पे। हमारी टीम वर्ल्ड में बेस्ट होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन तो है ना हम सबकी। मतलब हमें भी दुख है भाई, उनको भी होगा होपफुली। एंड BCCI पे आता है मेन क्वेश्चन मार्क कि वो कुछ अच्छे डिसीजंस लें। आईपीएल वाली टीम बन गई है अब इंडियन क्रिकेट टीम, ऐसा नज़र आता है। थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट ने भी दिखाए, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं इस वर्ल्ड कप में Day 1 से इंडिया टीम पुअर लगी है। और इस वर्ल्ड कप में नहीं, एशिया कप से आप अगर देखोगे तो इंडिया टीम बिल्कुल ही कमज़ोर नज़र आई है। जितने मैच जीते हैं भाई लग तुक्कों से जीत गए,
एंड इंग्लैंड ने बता दिया कि भैया तुक्के ऐसे नहीं चलते, हम स्ट्रांग हैं तो हैं, निकाल दिया बाहर। उम्मीद है कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, बट एज ए फैन हम तो भैया आप लोगों ने दुख दिया है तो लेके झेल लेंगे, और क्या कर सकते हैं। और दुआएं उम्मीदें कर सकते हैं कि इन फ्यूचर आप हमें खुशी का मौका भी देंगे कि भाई कभी हम कह सकें कि देखो हमारी टीम ने आईसीसी में कोई टूर्नामेंट जीत लिया है जी। होप, उसके अलावा कुछ नहीं। सो थैंक यू।